हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन एप्लीकेशंस के बारे में, उन ऐप इंडस्ट्रीज के बारे में जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, हमेशा आपके मन में भी ये क्वेश्चन रहता होगा कि हम कौन सा एप्लीकेशन बनवाएं, किस एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 ऐप इंडस्ट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मतलब जो एक बिजनेस स्टार्ट करना रहता है, जिसके पहले मतलब उस एप्लीकेशन को बनाने के पहले या फिर किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले जो हमारे अंदर कन्फ्यूजन रहती है, वो इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपका पूरा दूर हो जाएगा। ओके, इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे वीडियोज डेली वॉच करो। आपको बिजनेस से रिलेटेड एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत नॉलेजफुल वीडियो मैं इस चैनल पे डालता हूं। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट इंडस्ट्री है आपकी एयरलाइन एप्लीकेशन। देखो दोस्तों क्या है, इक्ज़िगो एप्लीकेशन या ट्रेन के किसी भी बुकिंग एप्लीकेशन में आप देखो, पहले क्या था, सिर्फ वहां पे हम ऑनलाइन टिकट वगैरह देख सकते थे, ट्रेन का लाइव स्टेटस देख सकते थे। बट अभी उन सभी एप्लीकेशन में फ्लाइट बुकिंग का भी ऑप्शन आ चुका है। मतलब आप वहां से फ्लाइट कहीं जा रहे हो, ट्रैवलिंग के लिए बुक कर सकते हो। ठीक है, क्यों? ऑब्वियसली वहां पे उनको सम अमाउंट एयरलाइन ऐप जो भी इंडिगो वगैरह ये सब सम अमाउंट वहां पे करते होंगे, कुछ कमीशन देते होंगे कि वहां अगर उस एप्लीकेशन से उनको टिकट्स मिलते होंगे तो। ठीक है, फर्स्ट ये फायदा होता है, आप ऐसा एप्लीकेशन बिल्कुल बनवा सकते हो, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं रहता, अराउंड 2-3 लाख में इजिली आप ऐसा एप्लीकेशन बनवा पाओगे। कोई बात नहीं, ज्यादा बजट है तो मतलब आपका अगर ज्यादा बजट ये हो रहा है, कुछ कम बजट आपका, तो पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। और भी बहुत सारे ऐसे ऐप इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने बताया हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट ऐप इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ई कॉमर्स एप्लीकेशन सच में बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस होते हैं। यहाँ पे आप सिंपल सीधी भाषा में डिजिटल दुकान खोल रहे हो, यहाँ पे प्रोडक्ट आपको सेल करना है। प्रोडक्ट नहीं है तो एक एफिलिएट एप्लीकेशन बना लो जहाँ पे आप किसी और के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, उसका टेंशन है डिलीवरी वगैरह का, उसका टेंशन है प्रोडक्ट का, आपका बस काम आपने अपने यूजर्स को वहाँ पे भेज दिया तो उस सम अमाउंट आपको पे कर देते हैं वो जो प्रोडक्ट वाले, जिन जो भी वेबसाइट्स रहती हैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट करना 2022 में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ई कॉमर्स एप्लीकेशन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है आने वाले समय में। और भी ज़्यादा जो भी नहीं भी जानते, जो नहीं भी करते ई कॉमर्स एप्लीकेशन से शॉपिंग, वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है हम सबकी एक आदत बन चुकी है फ़ोन पे ये बाय करना है, वो बाय करना, तो फटाफट ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी ऐसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जहाँ पे वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट करना यानी कि आँख बंद करके आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा आपका कहीं नहीं जाने वाला, बिल्कुल पैसा सही जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी नेक्स्ट ऐप इंडस्ट्री की तरफ। नेक्स्ट ऐप इंडस्ट्री है दोस्तों एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन। एंटरटेनमेंट दोस्तों, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ये हमारी लाइफ में जरूर होना चाहिए। विदाउट एंटरटेनमेंट हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दूर, एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते आप ये मान लो। क्यों? क्योंकि आप कहीं से आ रहे हो, ऑफिस आ रहे हो थक हार के, तो आपको क्या चाहिए, फोन में सम एंटरटेनमेंट तो चाहिए। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं ना कहीं तो हम लोग जरूर जाते हैं। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट के लिए नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, लेकिन एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में। तो एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो सभी यूजर्स के लिए होते हैं। ई कॉमर्स एप्लीकेशन बच्चों के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, और जिनको चलाना नहीं आता उनके लिए भी नहीं होता है, लेकिन एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन बच्चे भी चलाते हैं, बूढ़े भी चलाते हैं, जवान भी चलाते हैं, जो ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, मतलब सबके लिए होता है एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन। तो एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका लॉजिक क्या है, किस हिसाब से एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो, उस हिसाब से एप्लीकेशन की ग्रोथ पकड़ती है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट एप्लीकेशन। इवेंट एप्लीकेशन दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि आजकल सोशल इवेंट हो रहे हैं, ऑनलाइन इवेंट्स हो रहे हैं, इसलिए इवेंट एप्लीकेशन आजकल ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है मार्केट में। इवेंट एप्लीकेशन बनाने में आपको ये फायदा होगा, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं कुछ यूट्यूबर्स या कुछ सेलिब्रिटीज से जो अच्छे हैं, जिनका अच्छे खासे फैन फॉलोइंग है, तो आपको इवेंट एप्लीकेशन जरूर बनाना चाहिए। इवेंट एप्लीकेशन में उनको आप इनवाइट करके उनके वीडियोस पे जो फैंस हैं उनसे एक अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन पैक लेके या फिर वन टाइम पे करके ऐसा कुछ करके अमाउंट उनसे लेके अच्छा खासा अपने एप्लीकेशन पे अर्निंग कर सकते हो। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप इंडस्ट्री की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में बूम कर रहा है, वो है फाइनेंस एप्लीकेशन। फाइनेंस एप्लीकेशन ने मार्केट में आग लगा दी है। आजकल सभी बैंक वाले अपने बैंक का एप्लीकेशन तो जरूर रखते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं ना, आपका बैंक, आपका अकाउंट आपकी मुट्ठी में। क्यों? क्योंकि फाइनेंस एप्लीकेशन ने ट्रेंड बदल दिया है, क्योंकि आपका, आपको कुछ भी हो, आप आज सब कुछ एप्लीकेशन से कर सकते हो। ट्रेडिंग, फाइनेंस एप्लीकेशन एक्चुअली सब आता है। ठीक है, ट्रेडिंग एप्लीकेशन हो गया, बैंकिंग एप्लीकेशन हो गए, आपके फाइनेंस को मैनेज करने के लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशन बने हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा एप्लीकेशन मार्केट में रन करना चाहते हो, आपका क्या इन्वेस्टमेंट, आपका क्या बजट है। ऐसे एप्लीकेशन में बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं, सभी वेरियंट्स के अलग अलग कॉस्ट रहते हैं। आप इसके लिए मुझे कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। ऐसे एप्लीकेशन भी हम लोग डेवलप करते हैं,
करते हैं और ऐसे एप्लीकेशन मार्केट में ट्रेंड इसलिए करते हैं क्योंकि फाइनेंस हमारी लाइफ में बहुत बड़ा हिस्सा है। विदाउट फाइनेंस मैनेजमेंट हम लोग बजट को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, लाइफ में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको नहीं पता है कि आपके आने वाले टाइम में या फिर आने वाले मंथ में आपका क्या खर्चा होने वाला है या फिर आपने जो अकाउंट में सेविंग किया उसको कहाँ इन्वेस्ट करना, अगर ये सारी चीज़ आपको नहीं पता, प्लानिंग नहीं है, तो आप ज़्यादा कमा के भी फेल हो लाइफ में। ठीक है, इसलिए फाइनेंस जो एप्लीकेशन होते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम करें इस टाइम और आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा बूम करेंगे। अरे दोस्तों, पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो हेल्थ केयर एप्लीकेशन। आफ्टर पैंडेमिक सिचुएशन, कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई एप्लीकेशन बूम किया मार्केट में वो है हेल्थ केयर एप्लीकेशन, जिम फिटनेस एप्लीकेशन। ये टाइप के एप्लीकेशन मार्केट में बहुत बूम किए क्योंकि अगर हम रहेंगे, वो डायलॉग है ना, जान है तो जहान है, एक्चुअली जान है तो जहान है, तो जान बचेगी कैसे? बचाने के लिए एप्लीकेशन बहुत सारे निकल चुके हैं आपको फिटनेस में। घर पे बैठे बैठे आप खुद को कैसे फिट रख सकते हो, जिम जाने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। अगर आपको बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको कौन से एप्लीकेशन, मतलब बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे वो आपको मेडिकल सजेस्ट करते हैं, इस टाइप की भी एप्लीकेशन है। तो हेल्थ केयर में भी बहुत सारे वेरिएंट टाइप के एप्लीकेशन है आपको जिसमें इन्वेस्ट करना आप कर सकते हो, लेकिन ये भी एक ऐप इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा मार्केट में बूम कर रही है। ऐसे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 10 इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा, जो भी मैं बता रहा हूं ये 10 टॉप है, आप इसमें से किसी भी एक को चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका बजट कितना है, क्योंकि सभी एप्लीकेशंस के वेरिएंट में अलग अलग कॉस्ट लगता है, अलग अलग कॉस्ट आएंगे, अलग अलग उनकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी आपको। इसके बारे में जिस भी एप्लीकेशन आप इन्वेस्ट करो, सबसे पहले आप उस एप्लीकेशन के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में एक्चुअली आप समझ लो पहले। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप इंडस्ट्री की तरफ, वो है मोबाइल लर्निंग एप्लीकेशन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली ऐप इंडस्ट्री है और ये आफ्टर लॉकडाउन मुझे लग रहा है कि सभी स्कूल कॉलेजेस ने अपना खुद का एप्लीकेशन वेबसाइट बना लिया, जहाँ पे अगर दोबारा ऐसी कभी सिचुएशन होती है जैसे कि कोरोना का भी थर्ड लेयर आ रहा है तो उनके पास पहले से बैकअप रेडी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बोल सकती है कि आप हमारे एप्लीकेशन में से लर्निंग कर सकते हो, जो टीचर्स हैं वो वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो मोबाइल लर्निंग एप्लीकेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। सीरियसली देखो, लर्निंग एप्लीकेशन इतना याद रखना, यहाँ पे जो यूजर्स रहते हैं ना वो सीरियस रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो अमाउंट बोलोगे वो पे करेंगे। एजुकेशन फील्ड ऐसा फील्ड है जहाँ पे यूजर पैसा देने के पहले सोचते नहीं है, सीखने के लिए कोई नहीं सोचता कि मैं सीखूँ या नहीं सीखूँ। ठीक है, अगर उसे सीखना है तो वो जितना अमाउंट आप बोलोगे उतना अमाउंट देखिए वो सीखेगा जरूर। तो लर्निंग एप्लीकेशन इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं और अभी तो बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बूम करेंगे। तो एप्लीकेशन, लर्निंग एप्लीकेशन आपको, यानी मोबाइल लर्निंग एप्लीकेशन इंडस्ट्री में आपको जरूर कदम रखना चाहिए। अरे दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूज़ एप्लीकेशन। सुबह उठ के मोबाइल में न्यूज़ देखना कि हमारे आसपास, हमारे लोकल एरिया में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, पूरे इंडिया में क्या चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अक्सर हमें ताने भी मिलते हैं अगर हमें किसी न्यूज़ के बारे में नहीं पता होता, अरे क्या यार, तो जिस न्यूज़ के बारे में नहीं पता, कहाँ रहता है, इस दुनिया में है या नहीं है। तो न्यूज़ एप्लीकेशन बहुत बड़ा रोल निभाते हैं हमारे डेली लाइफ, रोज़मर्रा की जिंदगी में। तो न्यूज़ एप्लीकेशन में भी ज़रूर आपको पैर जमाना चाहिए, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लॉजिक थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे पब्लिक एप्लीकेशन ने किया, उसने क्या किया, लोकल एरिया को टारगेट करता है, आपके एरिया के जो भी न्यूज़ रहते हैं वो आप तक पहुंचाता है, जैसे पब्लिक एप्लीकेशन ने किया। तो लॉजिक थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा, कुछ नया आपको सोचना पड़ेगा ऐसे एप्लीकेशन इंडस्ट्री में अगर आप कदम रख रहे हो तो। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक्वेरियस, ये नेक्स्ट जो एप्लीकेशन का ऐप इंडस्ट्री है, ऑन डिमांड एप्लीकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एक्चुअल में ये मेरा फेवरेट ऐप इंडस्ट्री है क्योंकि यहाँ पे हम पब्लिक के डिमांड पे एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, जैसे उबर है और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है। वैसे यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिखाए आप ये भी देख सकते हो, जैसे पहले किसी ने ग्रोसरी के ऊपर टारगेट नहीं किया था, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट यही थे ऑनलाइन ई कॉमर्स एप्लीकेशन, बट ग्रोसरीज के ऊपर किसी ने टारगेट मतलब सोचा नहीं था। ये डिमांड बढ़ी लॉकडाउन में, तो अभी जियो मार्ट आ गया, बहुत सारे ऐसे ऐप इंडस्ट्री आ गए। तो ऑन डिमांड एप्लीकेशन भी मार्केट में बहुत ज़्यादा रन करते हैं, बट ऑन डिमांड एप्लीकेशन यूजर की क्या डिमांड है उस हिसाब से आप एप्लीकेशन बनाओ तो पक्का रन करेगा। ठीक है, ये भी ऐप इंडस्ट्री बहुत बेस्ट है। ओके, यस, रियल स्टेट एप्लीकेशन। देखो दोस्तों, क्या होता है ना, हम लाइफ में कितना भी कमा लें, ठीक है, कमाने के बाद हमें ये ज़रूर लगता है कि हमें ये अमाउंट हमारे घर बनाने के लिए, ज़मीन लेने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला इंटेंशन हमारा सबको, जब भी आप कमाते हो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि हमें रियल स्टेट या फिर ज़मीन वगैरह में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए क्योंकि हमारा खुद का घर होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रियल स्टेट एप्लीकेशन, पहले एक्चुअली इस टाइप के एप्लीकेशन ज़्यादा ट्रेंड नहीं कर रहे थे, बट अभी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ट्रेंड क्योंकि रियल स्टेट वालों को ये पता लग गया है कि एक बार अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा दिया सामने वाले बंदे से तो उसका कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। आप उन्हें बार बार नोटिफिकेशन सेंड करके, अपने नए ऑफर्स पिच करके उन्हें अपने लैंड को सेल कर सकते हो। तो रियल स्टेट एप्लीकेशन भी दोस्तों मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं, इस टाइम आने वाले टाइम पर भी बहुत ज़्यादा बूम करेंगे। अभी एक्चुअली 30-40% ही रियल स्टेट वालों ने अपना एप्लीकेशन बनाया, आने वाले टाइम पर सब बना लेंगे और बहुत ज़्यादा मार्केट में बूम भी करेगा। तो अगर आप रियल स्टेट पे इंटरेस्टेड हो, मतलब इन सब के बारे में अगर आपको नॉलेज, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट अगर आपको नॉलेज है तो आपको ऐसा एप्लीकेशन जरूर बनवाना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।